लवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लजीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट का या चुकंदर का हलवा। इसे बनाना तो आसान है ही और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और फायदेमंद तो है ही। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से बीट रूट को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। सर्दियों के मौसम में तो बहुत आते हैं ये और इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो फिर चलिए इसके हम हलवे की शक्ल में खाते हैं। सलाद की शक्ल में तो इसे आमतौर पर हम लोग खाते ही है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया था। अब मैं इसका छिलटा उतार रही हूँ चाकू की मदद से। पतला पतला छिलटा उतार लीजिएगा आप भी, और फिर हम इसे घसने की कोशिश करेंगे खोपरा घिसनी पर। चलिए फिर जल्दी से हम इसे अच्छे से घिस लेते हैं और फिर हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। बीटरूट को आमतौर पर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि इसे खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सच में इसे खाने से खून भी पैदा होता है और बहुत सारे फ़ायदे भी है। बच्चों को तो ये ज़रूर देना चाहिए, इसका जूस पिलाना चाहिए और इसे सलाद की शक्ल में तो रोज़ खाना ही चाहिए। बहुत सारी डिशेस है इसकी, मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना आप इसे हलवे की शक्ल में बनाकर खाएं। हमारे घर में अक्सर ये बनाती हूँ मैं सर्दियों में आमतौर पर, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही फ्रेश और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए। ये देखिए मैं इसे घिस रही हूँ इस तरह से। कद्दूकस कर लीजिए आप भी। और फिर मैंने एक कढ़ाई में, नॉनस्टिक कढ़ाई में घी डाला था पहले, और फिर उसके ऊपर ये डाल दिया था किसा हुआ हमारा चुकंदर। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने अपना डालडा घी ही डाला है। और फिर बस इसे ज़्यादा क्वांटिटी में घी ना ऐड कीजिएगा इसमें, क्योंकि हम इसे हेल्दी बना रहे हैं बहुत। हम इसमें बाद में दूध और मलाई डालकर भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। अब इसका ना पानी छूटना बहुत स्टार्ट होगा, इसमें पानी बहुत होता है। धीरे धीरे करके इसका पानी छूटेगा और सूखने भी लगेगा, तो ये कम होता चला जाएगा इस तरह से। इस तरह से देखिए आप इसे बहुत ही ध्यान से हिलाइएगा, इसके छींटे भी उड़ना स्टार्ट होते हैं, बहुत आंख पे बहुत उड़ते हैं, तो ज़रा बहुत एहतियात से इसे मिक्स कीजिएगा। अब मैं इसमें शक्कर ऐड करने जा रही हूँ। अब ये देखिए थोड़ा फीका होता है ये, तो हम इसमें शक्कर ज़रा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। ये कटोरी 250 ग्राम की है, तो मैंने इसमें कुल मिला के 6 कटोरी ऐड की है। तो मैं इसमें ना थोड़ी थोड़ी करके शक्कर ऐड करूँगी, टेस्ट करूँगी और उसके बाद इसमें और शक्कर ऐड करती चली जाऊँगी। तो कुल मिला के मैंने इसमें 6 कटोरी शक्कर ऐड की है इस तरह से। आप ज़रा अगर शक्कर थोड़ी पिघलना स्टार्ट हुई तो आप इसे चेक लीजिएगा। अगर आपको कम लगे, फीका फीका लगे, तो इसमें शक्कर और ऐड कीजिए। और अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो इसमें 4 कटोरी काफ़ी होगा, जितने बीट रूट थे ना उस हिसाब से। तो ये देखिए मैं इसमें अभी मैं चख रही हूँ और मुझे ना थोड़ी शक्कर मिठास थोड़ी कम लगी इसमें, तो मैं इसमें और शक्कर ऐड करूँगी 2 कटोरी। कुल मिला के मैंने इसमें 6 कटोरी शक्कर ऐड की है। और शक्कर ऐड करने के बाद ये देखिए इसका पानी बहुत छूटेगा, इसीलिए मैंने ना इसे हमारी कढ़ाई से निकाल कर भगोने में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ रहे थे और पानी भी शक्कर का काफ़ी छूटा था, तो कढ़ाई में काफ़ी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसे एक भगोने में, बड़े से भगोने में शिफ्ट कर दिया था। वैसे ये पकने के बाद तो थोड़ा कम ही हो जाएंगे इसकी क्वांटिटी। इस तरह से मैंने शक्कर इसमें ऐड कर दी थी, बहुत ही अच्छे काफ़ी थी मिठास इसकी। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर पे मैं इसे हला रही हूँ, इसका पानी सूखना लगभग स्टार्ट हो चुका है, हमारी शक्कर भी बहुत अच्छे से पक रही है। बस इसे नीचे ना लगने दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा इसे, फुल फ्लेम ना रखिएगा वरना इसे जल सकता है। और इस तरह से देखिए मैं इसे बहुत ही एहतियात से हला रही हूँ, क्योंकि इसके छींटे उड़ रहे थे। अब ये देखिए लगभग इसका पानी सूख चुका है, मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट आप जो भी मर्जी हो डाल सकते हो, तो काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें फ़िलहाल काजू और बादाम डाला है। और फिर
ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ज़रूर डालिएगा ड्राई फ्रूट, अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अभी तक मैंने इसमें कोई भी एसेंस ऐड नहीं किया है, इलायची पाउडर भी हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। मैं इसमें रोज़ एसेंस ऐड करूँगी, क्योंकि ये रोज़ एसेंस डालने के बाद ना, ये देखिए रोज़ एसेंस डाल रही हूँ मैं। इससे ना ऐसा लगता है हम गुलकंद खा रहे हैं। इसमें जो मिट्टी की स्मेल होती है ना बीट रूट की, तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि इसमें से क्यों नहीं, मतलब बीट रूट की क्यों नहीं स्मेल आ रही है। बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका फ्लेवर। इसीलिए आप है ना इसमें रोज़ एसेंस ही डालिएगा। एक ढक्कन, एक से डेढ़ ढक्कन डाला है मैंने। आपको अगर कम लग रही हो तो आप एक ढक्कन और बढ़ा सकते हो। और कुछ ही देर में हमारा बीट रूट का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे काजू और बादाम के साथ गार्निश कर दिया है। और ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, आप भी खाइएगा। इससे खून बहुत जल्दी, बोलते हैं डॉक्टर, पैदा होता है। इसे खाना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो और इसे खाइए। बहुत ही टेस्टी शक्ल है ये खाने की। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ।